बड़े बड़े बूट, ढीली पैंट, तंग कोट, हिटलर जैसी मूछें, मोटी मोटी आंखें, गुंगरियाले बाल, बॉलर हैट और हाथ में चड़ी, ये है चार्ली चैपलिन। भाई ये तो चार्ली चैपलिन है। खामोश फिल्मों का ऐसा कॉमेडियन जिसके नाम से ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। 5 साल की उम्र में स्टेज पर जलवागर होने वाले इस फनकार को अपने ही मुल्क बर्तानिया में कोई पहचान ना मिली तो उसने मुफलसी की जिंदगी छोड़कर न्यूयॉर्क में अपने फन से खूब नाम कमाया। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया, 72 फिल्में लिखी, 7 डायरेक्ट की, जबकि तकरीबन 31 फिल्में प्रोड्यूस की। चार्ली वो डायरेक्टर और फिल्म साज हैं जिनकी 2 फिल्में गोल्ड रश और सिटी लाइट्स दुनिया में अब तक बनाई जाने वाली 10 बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती हैं। में पहली ऑस्कर अवार्ड तकरीब में उन्हें फिल्म द सर्कस पर बेहतरीन अदाकारी, हिदायतकारी, फिल्म साजी और स्क्रिप्ट में महारत पर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। और हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर के खिताब से भी नवाजा। नाज़रीन दिलों को थाम लीजिए क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ चार्ली चैपलिन से, जो आलम बाला से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। तो चलें चलते हैं शमसाबाद नवाज शरीफ पार्क में। आप देख रहे हैं DTVNN और मैं हूँ नूर फातिमा। हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सवाल करते हैं, वो जो आ रही है वो लड़की नहीं है, आपको दिखाई दे रही है? एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू प्लीज गिव अस 2 सेकंड। ये इंडिया पिपल, नहीं पिपल ये लड़की है, लड़की इंडिया पिपल का सब। सॉरी मैम, क्या आप प्लीज हमें 2 मिनट दे सकती हैं अपने? जी बिल्कुल, 2 मिनट प्लीज। अच्छा मैम, हमारा आपसे ये सवाल है, एक ही है कि जी बिल्कुल एक ही है, एक ही है। हमारा आपसे ये सवाल है कि आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं? कपड़े? गलत जवाब। मैम जरा सोचिए कि कपड़े तो आई थिंक आप खुद ही ज्यादा पहनती होंगी या आपकी दोस्तें शोस्तें मांग के पहन लेती होंगी, लेकिन वो कौन सी चीज है जो आप बहुत कम रेयर इंसिडेंट्स में इस्तेमाल करती हैं लेकिन लोग आपका आपकी उस चीज का इस्तेमाल हर रोज करते हैं? मुझे पता है कि मेरे साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो इंसान है वो मौजूद है। जी सर बताइएगा। सबसे पहले धक्के। ये क्या है भाई, धक्के कैसे कोई इस्तेमाल कर सकता है? ओ जाने वाला धक्के। धक्के? नहीं नहीं, धक्के नहीं हो सकता, क्या हो गया आपको? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हैं आप? सबसे बड़ा, सबसे बड़ी चीज दिमाग, जो मैं बहुत ही ज्यादा कम अगर है जो आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते बल्कि लोग आज दिमाग से काम लेते हैं, कोशिश की नौकरियत को समझे। मैं दिमाग घर में रहता हूँ, लोग तो उठा के ले जाते।
बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दिमाग घर में लगते हैं और लोगों से उठा के ले जाते हैं। आई थिंक इनको सवाल का आंसर नहीं आता, तो चलिए चलते हैं और किसी और से पूछते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जब वो खाती है तो जिंदा रहती है और जब वो पीती है तो वो मर जाती है? फिर आपको किसका पता है वो बता दें। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो चलिए आपका जो एक्टिविटी है वो चेंज करते हैं और इनसे टंग ट्विस्टर एक्टिविटी करवाते हैं। आप ये बोले कि कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का नुक्ते कितने होते हैं? जीरो, एक जीरो, दो जीरो। सही कहते हैं? मेरे पास एक जीरो भी नहीं है। दो दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। एक पापा दे दो। नहीं देना, नहीं देना। पापा नहीं देना मुझे आपने। दो दिन से मैं कुछ खाया नहीं। छोटे छोटे मेरे बाप कुछ भी नहीं खाए। ये देखो मेरे छोटे बच्चे, ये देखो, ये देखो। और तीन दिन से मैंने पानी नहीं पिया। तुम यहाँ पे सो रहे, मजे ले रहे हैं, मजे लेके सो रहे। ठीक बात है, आप ना ठीक है? और कोई नहीं दादी? क्यों ठीक है? वजह ठीक होने की वजह बताइए मुझे। आप क्यों ठीक है? ठीक होने की वजह बताइए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? आप लोग क्यों क्यों तंग कर रहे हैं बच्चों को? पहले आप मेरे साथ स्टार्ट हुए थे, अब आप बच्चों की तरफ आ गए। देखे बच्चे और हम एक ही थाली के चट्टे बटे। अच्छे बच्चों, आपने इनको पसंद किया या आपको अच्छे लग रहे हैं? दालिया 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 दालिया। ये ज़्यादा सुपर है या मैं? तो आप क्या पता लग गया, मालूम पड़ गया, ये होती है मशहूरी। ये बेईमानी है, ये खेल नहीं है, ये बेईमानी। अगर अगर आपको मैं ज्यादा अच्छी लगी हूँ तो आप मेरी तरफ दोनों अच्छी लगेंगे।
नहीं नहीं करने वाले। अच्छा मेरे बेटे इस तरफ आ, इसका तो नाज़रीन हमें यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे भी मिले, इनसे भी हम कुछ अच्छी गपशप करते हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ जी, इनसे भी हम कुछ अच्छी अच्छी गपशप करते हैं। तो बच्चों आप लोग तैयार हो? हाँ तैयार है। हाँ जी तैयार है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इस वक्त आप लोग कौन सी जगह पर हो? नवाज शरीफ। हमारे साथ हमारी एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी बहन भी मौजूद हैं, तो इनसे हम टंग ट्विस्टर एक्टिविटी करवाते हैं। तो आप ये बोलें कि कच्चे पापड़ पक्के पापड़ क्या बोल सकते हैं? इनको पहले करके दिखाएंगे, आप करके दिखाएं। क्या बोल के दिखाएं? कच्चे पापड़ पक्के पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नहीं करना आपने, सिर्फ बोलना है कच्चे पापड़ पक्के पापड़। ये इनको आदत है डांस करने। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चे पापड़ पक्के पापड़। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छा ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज है, आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आज से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं? आप खुद ही इस्तेमाल करती हैं क्या? आपको पक्का है कि आपकी ऐसी कोई चीज नहीं है, इनकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये इन ये काम इस्तेमाल करती है, लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब हम इस प्रोग्राम के आखिर पे देंगे। नाज़रीन इस प्रोग्राम में हमने बात की कि आपकी वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन वो चीज है आपका नाम, जो आप कभी कभार इस्तेमाल करते हैं लेकिन लोग आपको हमेशा उसी चीज से पुकारते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान सईदा नूर फातिमा को दीजिए इजाजत, और हमेशा हम अक्सर आपकी खिदमत में ऐसे मजाकिया प्रोग्राम्स लेके हाजिर हुआ करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।